नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के इटौरा बाईपास में रविवार के दिन हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पति पत्नी एवं दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें पति सहित दो बच्चों की पूर्व में ही मौत हो चुकी। आज इलाज के दौरान पत्नी की भी मौत हो गई। इस तरह से एक सड़क हादसे में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया है। इधर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भावना कुशवाहा की मौत के बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण भावना की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि महिला को इंटरनल इंजरी हुई थी, जिसकी जानकारी चिकित्सकों को भी थी। महिला का सीटी स्कैन कराया गया था, जिसके पैर की हड्डी टूटी थी और आंत फटने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन इस दौरान कोई भी सीनियर चिकित्सक महिला को देखने नहीं आया और ना ही परिजनों के बार बार अनुरोध करने के बाद उसे रेफर किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल में हंगामे की स्थिति निर्मित है। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों के अनुरोध पर शव को अभी शव गृह में रखवा दिया गया है। देखिए, उनके परिजनों का आरोप है कि लापरवाही हुई है ना, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि सुबह तक महिला ठीक थी, मतलब वाइटल नॉर्मल थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक कोई दाल का पानी शायद उसने पिया, उसके बाद से उसकी तबीयत गड़बड़ा गई है। उनका कहना यह था, लेकिन बाकी उनका कहना है चिकित्सकों की लापरवाही है, तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से अपने स्तर पर जाँच करेंगे उसकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सीनियर डॉक्टर नहीं होंगे, सीनियर डॉक्टर की ही उसमें भर्ती होंगे। और दूसरी बात क्या है कि एक्सीडेंट हुआ था, तो आपको लोगों को घटना के बारे में सब पता ही है, तो हेड इंजरी भी थी, इंटरनल इंजरी भी थी और पैर भी फ्रैक्चर था, तो इसलिए हड्डी बाट में पैर फ्रैक्चर था, उसके लिए रखा गया था उनको। मामला ये है कि जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि परसों जो घटना हुई इटौरा बाईपास में, तो तीन लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी है। दो लोग तो एट स्पॉट हो गए थे, दूसरा जो बच्चा था उनको आज तक कोई सीनियर डॉक्टर देखने नहीं आया और उसकी कल डेथ हो गई, और डेथ भी उस समय हुई। दोनों लोगों कॉमन ये है कि जब ब्लड चढ़ाया गया, जैसे ब्लड चढ़ा उसकी डेथ हो गई। इनको ब्लड चढ़ा, हाथ में फफूले आए बता रहे हैं और डेथ हो गई। तो और उसके बाद इनको बिना परिजनों को बताए ही बॉडी लेके भाग लिए। पूछ रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। ब्लड कहाँ से लाए थे, क्या था, कैसे? ब्लड यहाँ से हम लोग खुद डोनेट किए हुए थे। हाँ हाँ हाँ, वो लोग दूसरा ब्लड चढ़ा दिए, मतलब यहाँ। और इनके लिए जब ये एडमिट थी तो इनको हड्डी डिपार्टमेंट में रखा गया और उनको इंटरनल इंजरी डॉक्टर बता रहे हैं, और दो दिन से कोई जांच नहीं हुई। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके बस का नहीं है तो इनको रेफ़र करिए और मैं ले जाऊँगा। तो बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति होगी तो मैं आपको सूचना दे दूँगा और आप ले जाइएगा। और यहाँ डॉक्टर कोई सीनियर डॉक्टर देखने नहीं है, वो सीखने वाले आते हैं, वो सीख लेते हैं, और दो दो लोगों को सीख लिया इन लोगों ने। हाँ, पैर की हड्डी भी टूटी थी और पेट के मतलब अंदर चोट थी, तो लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, एक्सरे हुआ है, तो जो एक्सरे में पैर की कई जगह से क्रैक थे और इंटरनल इंजरी थी, तो इंटरनल इंजरी के लिए सिर्फ हड्डी वाले देख रहे थे, अब कोई दूसरे डॉक्टर तक नहीं आए। घोर लापरवाही है यहाँ। संजय गांधी तो बिल्कुल मौत का कुआं बन गया है कि जो यहाँ आ जाए वो लगता है थोड़ा भी अगर सीरियस है तो उसे ना तो कहीं बाहर ले जाने देंगे, वो उसकी यहाँ से डेड बॉडी ही निकलती है। अभी हम लोग चाहते हैं कि इन यहाँ की जो न्यायिक जांच हो जाए और जो डॉक्टर हैं, इन जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो।